दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे संजय दत्त और पूजा भट्ट की फिल्म सड़क से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। इस वीडियो को आप में से ही 14 लोगों की रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में बने उस घंटे के बटन को दबा के इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। सड़क एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसको रिलीज किया गया था 20 दिसंबर 1991 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक तिजोरी और सदाशिव अमरापुरकर। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने और लगभग 51 मिनट की लेंथ के 12 गाने इस फिल्म में रखे गए थे और इस फिल्म के गाने एक से बढ़ के एक सुपरहिट साबित हुए थे। फिल्म में मैक्सिमम गाने अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने गाए थे और उस साल इस फिल्म के म्यूजिक की लगभग 50 लाख कॉपी सेल की गई थी और ये उस साल की तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा सेल की जाने वाली म्यूजिक कैसेट बन गई थी और फिल्म के कुछ गाने आज भी लोगों के जहन में उतने ही ताजा हैं जितने कि उस टाइम पे थे। गाने हैं तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते और जमाने के देखे। ये गाने ऑल टाइम हिट्स हैं और हमें हर जगह FM या TV पर सुनने के लिए आज भी मिल जाते हैं। इस फिल्म में नजर आए सदाशिव अमरापुरकर को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल के अवार्ड से नवाजा गया था। बात करें इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए और इस फिल्म ने इंडिया और वर्ल्ड वाइड मिला के लगभग 11 करोड़ 70 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और 2 घंटे 14 मिनट की इस फिल्म को 7 out of 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म में सदाशिव अमरापुरकर का जो कैरेक्टर था महरानी वाला, वो एक्चुअली संजय दत्त ने ही महेश भट्ट को सजेस्ट किया था। संजय दत्त जब अपने पुराने दिनों में ड्रग्स लेने के आदि हो गए थे, उस टाइम पे उन्होंने मुंबई के स्लम्स एरिया में महरानी के कैरेक्टर जैसे दिखने वाले एक किन्नर को देखा था और वहीं से उन्हें इस फिल्म में महरानी के कैरेक्टर का आइडिया आया था। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म में पहले महेश भट्ट लीड एक्टर के तौर पर जैकी श्रॉफ को कास्ट करना चाहते थे, जो कि उस टाइम पे बैक टू बैक कई सारी सुपरहिट फिल्में दे चुके थे, राम लखन, परिंदा और त्रिदेव। और जैकी श्रॉफ को ही ध्यान में रख के सड़क फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड किया गया था, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, जिसको मनहार उदास ने गाया था। एक्चुअली मनहार उदास जैकी श्रॉफ की काफ़ी सारी फिल्मों में गाने गा चुके थे, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इस फिल्म में जैकी श्रॉफ की जगह संजय दत्त को कास्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में महरानी का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो गया था और फिल्म सड़क के लगभग 20 साल बाद सन 2011 में महेश भट्ट अपनी फिल्म मर्डर 2 के लिए एक बार फिर से सदाशिव अमरापुरकर को किन्नर के रोल में देखना चाहते थे, लेकिन सदाशिव अमरापुरकर को लगा कि उनके रोल में बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है और उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। और बाद में मर्डर 2 फिल्म में किन्नर का कैरेक्टर प्रशांत नारायण ने प्ले किया था। फैक्ट नंबर 4, 1991 में आई फिल्म सड़क के लगभग 27 साल बाद 20 सितंबर 2018 को महेश भट्ट के 70वें बर्थडे के दिन उनकी बेटी पूजा भट्ट और आलिया भट्ट ने सड़क के सीक्वल का कन्फर्मेशन दिया था, जिसको सड़क 2 के नाम से बनाया जाएगा और इस फिल्म को मार्च 2020 में रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे महेश भट्ट, जो कि 21 साल बाद किसी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। इसके पहले उन्होंने सन 1999 में आई संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की फिल्म कारतूस को डायरेक्ट किया था। फैक्ट नंबर 5, फिल्म सड़क कुछ कुछ इंस्पायर्ड थी सन 1976 में आई अमेरिकन फिल्म टैक्सी ड्राइवर से और बाद में इस फिल्म को सन 2000 में तमिल में अप्पू नाम से बनाया गया था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म सड़क का एक सुपरहिट गाना तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, इस फिल्म का म्यूजिक उठाया था सन 1983 में आई एक पाकिस्तानी गजल से, जिसका नाम था चले तो कट ही जाएगा सफर, जिसको गाया था पाकिस्तान की फेमस सिंगर मुसरत नजीर ने। हालांकि इसके पहले कई गानों में नदीम श्रवण पाकिस्तानी म्यूजिक का अपने गानों में यूज कर चुके थे, जैसे सन 1991 में ही आई अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे के सुपरहिट गाने मैंने प्यार तुम्ही से किया है। इस गाने का म्यूजिक भी उठाया गया था पाकिस्तान के एक फेमस गाने सपेरों से मैं छुपती फिरों से। इन दोनों गानों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप यूट्यूब पर जाके इन गानों को चेक भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, जब म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण को सन 1992 में फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा रहा था, उस समय उन्हें अवार्ड देने के लिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार को बुलाया गया था। जेबा बख्तियार सन 1991 में आई ऋषि कपूर की फिल्म हेना से बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी थीं। उन्होंने नदीम श्रवण को अवार्ड देने से पहले एक बात बोली कि एक टाइम पर जो पाकिस्तानी गजल पाकिस्तान के हर गली में सुनाई देती थी और उसी से म्यूजिक के साथ अब एक हिंदी सॉन्ग मुंबई की हर गली में सुनने के लिए मिल रहा है। जेबा बख्तियार द्वारा इतने लोगों के सामने इस बात को बोले जाने से नदीम श्रवण काफी नाराज हुए और उन्हें लगा कि जेबा बख्तियार उनकी इंसल्ट कर रही हैं। तब नदीम श्रवण ने सोचा कि जेबा बख्तियार के लिए वो किसी फिल्म में अब म्यूजिक नहीं देंगे। हालांकि बाद में सन 1994 में जेबा बख्तियार की फिल्म स्टंट मैन के लिए, जिसमें वो जैकी श्रॉफ के साथ नजर आई थी, उसमें भी नदीम श्रवण ने म्यूजिक दिया था। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म में पहले महेश भट्ट महरानी के कैरेक्टर के लिए शरद सक्सेना को कास्ट करने वाले थे,
लेकिन बाद में उनकी जगह पर सदाशिव अमरापुरकर को कास्ट किया गया था। एक्चुअली सदाशिव अमरापुरकर जब अपने कॉलेज में थे तो वहाँ पे उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया था बाल गंगाधर राव का, जिसकी उस टाइम पे बहुत तारीफ हुई थी। और मराठी स्टेज में वो लड़के और लड़की दोनों का कैरेक्टर प्ले करने के लिए जाने जाते थे। इस वजह से उन्हें फिल्म सड़क में महारानी के कैरेक्टर प्ले करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म में पहले संजय दत्त की बहन के कैरेक्टर में अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर को कास्ट किया जा रहा था, लेकिन बाद में फिर सोनी राजदान को कास्ट किया गया था। सोनी राजदान एक्चुअली महेश भट्ट की दूसरी वाइफ और आलिया भट्ट की माँ हैं। वो फिल्म सड़क में हमें संजय दत्त की बहन बनी हुई नजर आती हैं। लेकिन अब जो सड़क फिल्म का सीक्वल बनने वाला है उसमें सोनी राजदान की जगह पर आलिया भट्ट संजय दत्त की बेटी के रोल प्ले करने वाली हैं। फैक्ट नंबर 10, सन 2003 में आई फिल्म पाप से पूजा भट्ट ने एज अ डायरेक्टर बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। और इस फिल्म की पूरी स्टोरी कुछ कुछ मिलती है सन 1991 में आई फिल्म सड़क के सेकेंड हाफ से। फैक्ट नंबर 11, जब संजय दत्त और महेश भट्ट इस फिल्म में किन्नर के रोल के लिए डिस्कस कर रहे थे तब उन्हें 1983 में आई फिल्म अर्धसत्य में सदाशिव अमरापुरकर द्वारा प्ले किया गया नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद आया था, और वहीं से सदाशिव अमरापुरकर को इस फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया था। और इस फिल्म के बाद ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और बाद में सन 1993 में आई महेश भट्ट की फिल्म तड़ी पार में सदाशिव अमरापुरकर ने एक सपने वाले सीन में महारानी का एक कैमियो रोल प्ले किया था, जो कि इंस्पायर्ड था उनकी 1991 में आई फिल्म सड़क से ही। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म सड़क से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर इस फिल्म से आपकी कुछ स्पेशल यादें जुड़ी हैं तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताइए। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे और नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने उस घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।